तो आज हम क्या सीखेंगे, हॉस्टल वायरिंग, यानी जो हॉस्टल में वायरिंग होती है आज उसका हम प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, तो हॉस्टल वायरिंग में क्या होता है, तुम्हारा एक मास्टर स्विच होता है। ठीक है, जैसे हॉस्टल में वार्डन होती है तुम्हारी, वो क्या करेगी, अपने रूम से जो भी तुम्हारे स्टूडेंट होते हैं उनके रूम के लाइट जो है उसको कंट्रोल करेगी। यानी इसमें क्या होना चाहिए तुम्हारा, कि जैसे जो वार्डन होती है वो अपने रूम से अगर लाइट को ऑन करेगी तो क्या होगा, सारी जो कमरों की लाइट है वो ऑन हो जाएगी। मान लो हमारे पास तीन कमरे हैं तो तीनों कमरों की क्या हो जाएगी, लाइट ऑन हो जाएगी। उसके बाद कोई भी बच्चा जो रूम में होगा वो अपनी लाइट को ऑफ नहीं कर पाएगा अपने स्विच से। ठीक है, और अगर यहाँ से ऑफ है तो ये स्टूडेंट जो है अपनी लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं अपने रूम से। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक तो सिंगल वे स्विच लेना है। ठीक है, एक सिंगल वे स्विच लेना है और बाकी तीन टू वे स्विच लेना है। टोटल चार स्विच लेंगे हम अगर हमें तीन रूम के लिए लाइट को कंट्रोल, तीन रूम की लाइट को कंट्रोल करना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, तुम्हें पता है टू वे स्विच में तीन टर्मिनल होते हैं और सिंगल वे में दो टर्मिनल होते हैं। तो इसमें जो हमारे टू वे स्विच हैं उनके ऊपर वाले टर्मिनलों को शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, और नीचे वाले टर्मिनलों को शॉर्ट कर देंगे। सिंगल वे स्विच से जो डायरेक्ट सप्लाई दे देंगे पहले वाले जो हमारा स्विच होगा टू वे वाले उसके ऊपर वाले भाग में और नीचे वाले से नीचे वाले भाग में, यानी ऐसे शॉर्ट कर देंगे डायरेक्ट इनको चारों स्विच के ऊपर ऊपर वालों को और नीचे वालों को शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, जो सिंगल वे स्विच के पहले पॉइंट में या ऊपर दे दो या नीचे, दोनों में से कहीं पे भी फेज दे देंगे। ठीक है, और न्यूट्रल जो डायरेक्ट है, न्यूट्रल हम डायरेक्ट क्या बल्बों के एक एक पॉइंट में दे देंगे। जैसे हमने यहाँ से न्यूट्रल लेके गए हैं, पहले यहाँ न्यूट्रल पहुंचाया, फिर वहां से इस वाले में, फिर वहीं से तीसरे वाले बल्ब में न्यूट्रल को हमने पहुंचा दिया। जो बाकी बल्ब का जो दूसरा टर्मिनल होगा उसमें हमने फेस कनेक्ट कर दिया, उसको हम लेके गए जो टू वे का जो पहला स्विच है उसके बीच वाले भाग में, वैसे ही दूसरे स्विच के जो टर्मिनल है दूसरे स्विच के बीच वाले भाग में, और तीसरा जो बल्ब है उसका तीसरे स्विच के बीच वाले भाग में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये टू वे हॉस्टल वायरिंग तुम्हारी कंप्लीट हो जाएगी। अब हम इसका जो प्रैक्टिकल हमने बनाया, तीन हमने यूज कर रखे हैं, चार स्विच यूज कर रखे हैं, ये सिंगल वे स्विच है, ये टू वे। इसमें हमने देखो ऊपर वालों को शॉर्ट कर रखा है, नीचे वालों को शॉर्ट कर रखा है। ठीक है, और यहाँ से तीनों बल्ब में दे रखी है। ठीक है, ये फेस की तार तुम्हारी आ रही है, इसको तुम चाहे यहाँ कनेक्ट करो चाहे यहाँ कनेक्ट करो, ऊपर कनेक्ट करो या नीचे। ठीक है, और न्यूट्रल को हमने डायरेक्ट तीनों बल्बों के एक एक पॉइंट में पहुँचा रहा है। अब हम इसको ऑन करके चेक करते हैं कि जो हमने वायरिंग करी है वो सही है या नहीं। याद आ रहा है, तो जैसे हमने ये प्रैक्टिकल बनाया था, ठीक है, ये मान लो तीन कमरे हैं, तीनों कमरों में एक एक फीचर है। ठीक है, तो जो बच्चा इस कमरे में होगा वो इसको अपने कमरे से इस लाइट को ऑन ऑफ कर सकता है, यानी इसको सेल्फ कंट्रोल भी दिया है। ठीक है, ये दूसरे कमरे का जो बच्चा है इसको ऑन भी कर सकता है, ऑफ भी कर सकता है, तीसरा वाला भी ऑन ऑफ कर सकता है। ठीक है, मगर जब वार्डन को चेक करने आना होगा रूम में, तो वो क्या करेगी, अपने कमरे से ये सिंगल वे जो स्विच है वहां से ऑन करेगी, तो तीनों कमरे की लाइट एक साइड ऑन हो गई। अब वो जो कमरे में जो बच्चे होंगे वो अपनी लाइट को ऑन बंद नहीं कर सकते, इनको। ठीक है, यहाँ से ये स्विच में अब वो क्या होंगे, ऑफ नहीं हो सके। ठीक है, इन स्विचों में ये जो है ये जो लाइट होगी ये ऑफ नहीं होगी जब तक वार्डन अपने कमरे में वापस जाके उस लाइट को बंद नहीं करती। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो सिंगल वे स्विच अगर एक बार ऑन हो गया तो ये बटन से लाइट ऑफ नहीं होगी। ठीक है।